हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, 30 मार्च को घोषित किया गया है। इसकी मेंस परीक्षा जो है वो 17 जून को शुरू होनी है। पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन और एसीएफ मेंस एग्जामिनेशन यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मेंस एग्जामिनेशन जो है वो दोनों अलग अलग आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स जो है वो संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी 28 अक्टूबर 2018 को। तो इस बार जो यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन है वो नए पैटर्न पे आधारित होगा और नया सिलेबस भी होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक पेपर हिंदी का होगा, एक निबंध का होगा, सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के 4 प्रश्न पत्र होंगे 200 मार्क्स के, और एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना होगा जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो वैकल्पिक विषय जो है वो पहले 2 वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता था, लेकिन अभी जो है वो केवल एक ही वैकल्पिक विषय आपको लेना होगा। तो इस बारे में जो क्वेश्चंस का प्रारूप यानी कि पैटर्न जो है वो रिलीज कर दिया गया है आयोग द्वारा। देखते हैं आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में क्या बताया है। 2 अप्रैल 2019 को जारी विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया है कि अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन जो सभी के लिए अनिवार्य हैं, उसके प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4 GS1, GS2, GS3, GS4 के निर्धारित नए पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है वो PCS 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था जुलाई मंथ में उसमें दिया गया है। तो वहां से आप देख लेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे कि PCS 2018 नोटिफिकेशन, तो वो एक PDF डाउनलोड होगा, उसमें आप सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो देख सकते हैं कि निबंध का सिलेबस क्या होगा, हिंदी का क्या होगा, GS1, GS2, GS3, GS4 का क्या होगा। तो इसमें ये बताया गया कि प्रश्न पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या जो है वो 20 होगी। तो हर प्रश्न पत्र यानी कि GS1, GS2, GS3, GS4 में अलग अलग 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, मतलब सभी प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे यानी कि 10 लघु उत्तरी क्वेश्चन होंगे और 10 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होंगे यानी कि 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों की शब्द सीमा जो होगी वो 125 शब्द होगी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की जो शब्द सीमा होगी वो 200 शब्द होगी यानी कि 200 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, निबंध और वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र, जो 2 प्रश्न पत्र होता है वैकल्पिक विषय जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके प्रश्न पत्र जो होंगे वो पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। मतलब पीसीएस 2017 मेंस या 16 मेंस के जो पैटर्न थे वो हिंदी, निबंध और वैकल्पिक विषय पे लागू होंगे। तो आइए ब्रीफ में देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है। तो पहली चीज ये कही गई है कि निबंध, हिंदी और वैकल्पिक विषय कि जो पेपर होंगे वो पहले की भांति होंगे, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे और वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आधारित होंगे और इसमें जो प्रश्नों की कुल संख्या होगी वो 20 होगी, 10 लघु उत्तरी और 10 दीर्घ उत्तरी। लघु उत्तरी की शब्द सीमा 125 और दीर्घ उत्तरी की शब्द सीमा 200 होगी और एक अनुमान के आधार पे शब्द सीमा में अंतर को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे उनके जो मार्क्स होंगे वो 8 मार्क्स होंगे और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे उनके मार्क्स जो होंगे वो 12 मार्क्स होंगे। मतलब 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और सारे प्रश्न आपको करने होंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। तो आप अगर आपको सिलेबस देखना हो तो गूगल में पीसीएस 2018 नोटिफिकेशन डालिए, उस नोटिफिकेशन में वैकल्पिक विषय, एसए, हिंदी और सामान्य अध्ययन सभी के सिलेबस जो है वो डिटेल में दिए गए हैं। अगर आपको परीक्षा की तिथि देखनी है तो यूपीएससी यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे जाके आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 17 जून से प्रारंभ होनी है और सभी प्रीलिम्स सफल अभ्यर्थियों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेंस में सफल होने की हम कामना करते हैं।